आपके दृष्टि में, आपकी नज़र में, योर पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो यात्रा है आपके मामा जी का, राहुल गांधी जी का, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ही स्टार्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया, नाउ कमिंग क्लोज टू दिल्ली, एक लंबी जर्नी हो गई है. सो यू मस्ट हैव यू नो हर्ड न्यूज अबाउट द यात्रा एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें. तो आप उसको, उसके को कैसे देख पा रहे हैं? लाइक ये यात्रा क्या है, क्यों है, क्या समझ पाए आप, क्यों जरूरी थी? कुछ मैं एक यूथ की तरह मैं पूछ रहा हूँ, इस देश के एक युवा हैं, तो उसके नाम. आई थिंक जो मेन बात, मेरा जो मेन टेक है कि ये इसकी एक्सपीरियंस ही, मतलब इतना भारी एक्सपीरियंस है ये. आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब वो इन इतने सारे लोगों से मिले होंगे. मतलब मैं तो क्या, दो दिन पूरा चले और एक दिन आधा चले जब हम गए थे मध्य प्रदेश में, तभी दिख रहा था इतने लोगों से मिल रहे हैं. तो आई थिंक वो इतना एनरिचिंग एक्सपीरियंस है कि वो एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव से वो मेन बात है. इसमें देखिए, मैं आपकी पेंटिंग्स भी बात कर रहा हूँ, और मुझे लगा कि आपका नज़रिया भी थोड़ा बहुत हमें लेना चाहिए, ताकि जो यूथ है वो सुने आपको. बहुत क्रिटिकल भी रहे हैं लोग, और वो पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है. हम एज ए जर्नलिस्ट वो सब भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं दोनों तरफ. सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द क्रिटिकल, पॉलिटिकल क्रिटिकल व्यूज जो इन सब चीज़ों, क्योंकि उसमें आपके मामा का, राहुल गांधी का भी जिक्र आता है, आपकी फैमिली का भी जिक्र आता है, कई सारी चीज़ें. तो आप लोग एज ए फैमिली मेम्बर कैसे ऑब्जर्व करते हैं? देखो, अगर आप पब्लिक आई में हो तो क्रिटिसिज्म तो आएगी. जैसे लोग ट्विटर, सोशल मीडिया पे मुझे भी गाली तो देते हैं, मुझे जानते नहीं है पर गाली तो देते हैं. तो एक हम कोइंसिडेंस की हम एक्सेप्टेंस रूम में खड़े हैं और आपने ये क्वेश्चन पूछा, आप एक्सेप्ट कर लेते हो. अगर लोगों के दिल में नफरत है, ठीक है, अब है, चेंज कर सकते हो तो कर लो, नहीं हुआ तो मैं फिर भी मैं है. यही पूछा था कि बिना जाने भी लोग राय बनाते हैं, मैंने पीपल हैव द डाउट, मैंने कुछ आधा उल्टा है, कुछ सीधा है. जैसे मतलब लास्ट टाइम जब मैंने शो किया था, किसी ने आर्टिकल लिखा था कि रायहान वाड्रा मे बी अ टैलेंटेड फोटोग्राफर बट ही इज़ वेरी प्रिविलेज टू हैव यू नो एन एग्जिबिशन दिस दैट. पूरा मतलब आर्टिकल लिखा था कि मतलब पॉइंट ही मुझे समझ ही नहीं आया आर्टिकल का. तो क्रिटिसिज्म होती है, क्रिटिसिज्म भी ठीक है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ, इट कम्स ऑलवेज. आई मीन हम जब राहुल गांधी के करियर को देखते हैं और जब उनकी जर्नी को देखते हैं, तो ये क्वेश्चन उनको हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाई आप एक प्रिविलेज्ड फैमिली से पॉलिटिकली एंड एवरीथिंग, सो इट्स लाइक इजी फॉर यू, ये क्वेश्चन आ जाते हैं. आई थिंक ये आपसे भी पूछी जाती है. हाँ, ऑब्वियसली नाउ अब प्रिविलेज है, बट दैट वाज नॉट अ चॉइस. दैट वाज एग्जैक्टली, दैट वाज नॉट अ चॉइस. सो एज लॉन्ग एज आप वो प्रिविलेज को मिसयूज ना करो, एंड एटलीस्ट मैं सोचता हूँ कि मैं प्रिविलेज को मिसयूज नहीं कर पाऊँ. जैसे जो भी मैंने यहाँ लगाया है वो मैंने खुद फंड किया है, खुद काम किया है, खुद मतलब अपनी टीम असेंबल करके किया है. तो अगर वो प्रिविलेज मिसयूज नहीं कर रहे तो ठीक है, अगर प्रिविलेज मिसयूज कर रहे हो फिर वो अलग बात है, देन इट्स रॉन्ग. और जैसे आपने क्रिटिसिज्म के बारे में बात की, वो क्रिटिसिज्म तो ठीक है, वो तो आते रहेगा. इफ़ देर इज इनफ पॉजिटिव फीडबैक, देर बी इनफ नेगेटिव फीडबैक ऑल्सो, एंड दैट्स अ बैलेंस. वो एक आपको मैच्योरिटी की तरफ ही